हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के तीसरे प्रकार को। और इसके पहले वाले वीडियो में पहला और दूसरा दोनों प्रकार को समझा दी थी। इसमें चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया बोलिए या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया इसका सुंदर सा परिभाषा। आप इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो के साइड में तीन बटन आता है, वहाँ पर क्लिक कर स्लो करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर स्लो कर लीजिएगा और इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग डीपली जाकर कि आखिर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ए नाम का कोई लड़का है और मान लीजिए बी नाम का कोई लड़का है। ठीक है, ए बी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पक्के वाले दोस्त हैं। और ए और बी एक दूसरे के दोस्त हैं। और जो सी कोई लड़का आता है और सी आकर इस ए को भगा देता है, हटा देता है और ख़ुद इस बी से दोस्ती कर लेता है और बी और सी बना लेता है और बेचारा ये हट जाता है और ये अकेला हो जाता है, ए नाम का लड़का। ठीक है, तो इसी तरह इस विस्थापन अभिक्रिया में भी होता है। इसमें क्या होता है, कोई कंपाउंड होता है जैसे कि CuSO4 कॉपर सल्फेट है। CU को मान लीजिए ए है, ए नाम का कोई लड़का है, उसको CU मान लीजिए यानी कि कॉपर मान लीजिए, और सल्फेट को बी मान लीजिए, बी नाम का कोई लड़का। अब जो तीसरा लड़का आता है यानी कि सी, उसको मान लीजिए FE यानी कि फेरस। फेरस मतलब लोहा होता है। ठीक है, लोहा को ही फेरस बोला जाता है। और कॉपर सल्फेट तो ये नीले रंग का विलयन होता है, ब्लू कलर का, यहाँ पर ब्लू कलर लिख दे रही हूँ, ये ब्लू कलर का लिक्विड होता है CuSO4। तो देखिए यहाँ पर CuSO4 एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त हैं। ठीक है, लेकिन जब तीसरा आयरन आता है यानी कि लोहा आता है तो इस CU को भगा देता है यानी कि हटा देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब हटाना। तो ये Fe क्या करता है, इस CU को हटा देता है और ख़ुद SO4 के साथ जुड़कर FeSO4 बना देता है यानी कि फेरस सल्फेट बना देता है और बेचारा ये जो CU है यानी कि कॉपर जो है वो अलग हो जाता है और वो अलग हट जाता है। यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। कॉपर जानते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक वाले वस्तुओं में रहता है, इलेक्ट्रिक के तार में रहता है, वो तार के अंदर जो छीला नहीं जाता है उसके अंदर कॉपर ही रहता है, कॉपर का तार। ऐसा नहीं है कॉपर का ही तार होता है, एल्यूमिनियम का भी तार होता है। ठीक है, और FeSO4 फेरस सल्फेट बनता है। तो इसमें क्या हुआ, CuSO4 कोई यौगिक था, इसका इसमें कितने परमाणु थे, कॉपर सल्फेट ये थे ना, इसको कोई आयरन आया यानी कि लोहा आया और इस कॉपर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया यानी कि भगा दिया और ख़ुद सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया, फेरस सल्फेट। और बेचारा जो कॉपर है वो अलग हो गया, ये कॉपर अलग हो गया। फेरस सल्फेट वो सुनार लो अपने पास रखते हैं, फेरस सल्फेट का लिक्विड, सुनार समझते हैं जो सोने और चांदी को बेचते हैं, उसका गहना और झुमका बेचते हैं लोग, उसी को वही लोग रख, उन्हीं को सोनार बोला जाता है। वो ये फेरस सल्फेट को रखते हैं। और जब गांव में औरतें होती हैं वो सोना का जेवर पहनती है ना, तो वो गंदा हो जाता है, उस पर गंदा लग जाता है यानी कि उस पर क्या बोला जाता है, उस पर गंदगी आ जाती है सोना पर, तो वो ले जाकर सोनार को देती है लोग औरतें। और वो सोनार जो क्या करता है, सोनार उस सोने को जो पहना जिस पर गंदा है, उस सोने को इस FeSO4 यही FeSO4 के विलयन में डालता है लो, और वो सोना जैसे ही थोड़े देर के बाद निकालता है उस विलयन, इस विलयन में से, वैसे ही वो सोना एकदम नया लगता है, क्या अभी खरीदा गया है उस तरह। तो ये FeSO4 का विलयन सोनार के पास भी रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, CuSO4, खैर वो बात छोड़िए, यहाँ पर FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट बन रहा है। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट बन गया। अब बात आती है, एक मिनट ज़रा ये मिटा दूँ, यहाँ पर क्या था, CuSO4 था ना, CuSO4 प्लस, यहाँ पर ए बी फिर से लिख दे रही हूँ, सी क्या बन रहा था, सी ए और सी, सॉरी बी सी, बी सी और
ए अलग हो जा रहा था ना, ए अलग हो जा रहा था। अब बात आती है, क्या फेरस ऐसे ही बोलकर आएगा और बोलेगा कि सीयू तुम हट जाओ तो सीयू हट जाएगा? नहीं, फेरस को फेरस जो है यानी कि लोहा है, इसको लोहा बोलेंगे, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो क्या लोहा कॉपर से आकर बोलेगा कि हट जाओ तो कॉपर हट जाएगा? नहीं, एफिंग हो यानी कि लोहा को कॉपर को हटाने के लिए लोहा के पास ताकत होना चाहिए। लोहा ज़्यादा क्रियाशील होता है किससे? कॉपर से। इसीलिए लोहा कॉपर को हटा देता है, भगा देता है, लात मारकर भगा देता है कॉपर को, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए ये कॉपर को हटा देता है और खुद SO4 के साथ जुड़ जाता है और Fe SO4 बना लेता है। तो ज़रूरी है कि लात मारने के लिए यानी कि भगाने के लिए, विस्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि उस तत्व को इस तत्व से ज़्यादा ताकतवर होना जरूरी है। मान लीजिए किसी इंसान का राज चल रहा है घर में, तो उस इंसान को भगाने के लिए उससे भी कोई मजबूत इंसान आना चाहिए ना कि उसको भगा दे। तो उसी तरह यहाँ पर भी होता है। CO4 यानी कि कॉपर सल्फेट सल्फेट के साथ कंबाइन हुआ रहता है यानी कि यौगिक बनाया रहता है, लेकिन जैसे ही Fe आता है और ये क्या है, ये ज़्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए Cu को हटा देता है और FeSO4 बन जाता है। ठीक है, इस तरह का और भी एग्जांपल है, रुकिए मैं दे देती हूँ, एक और एग्जांपल लीजिए। इस तरह का एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि CuSO4 है प्लस ZN जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ये भी जिंक क्या होता है? कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक जो होता है ना कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनाता है और प्लस में बेचारा Cu अलग हो जाता है, हो गया अलग। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर खटक रहा होगा कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा ताकतवर है? तो इसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में एक क्या दे दूंगी, एक क्रम से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम में एक क्रम से क्रमांक दे दूंगी, उसमें लिखा रहेगा कौन ज़्यादा ताकतवर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह मैं चार्ट दे दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक के आयनों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान होता है, उस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझते हैं, यहाँ पर फिर से NaCl लीजिए प्लस में प्लस AgNO3 लीजिए, AgNO3। ठीक है, NaCl प्लस AgNO3, ये NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, नमक, सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट। ये नमक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया में, ज़रा समझिए। मान लीजिए यहाँ पर AB था लड़का, ये एक दूसरे के दोस्त थे। अब यहाँ पर दो दोस्त आएंगे C और D। अब देखिए यहाँ पर इसमें AB था और कोई तीसरा लड़का C आ रहा था और A को विस्थापित कर दे रहा था। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें AB तो रहेगा लेकिन जो C था यहाँ पर अकेले आ रहा था, अब ये अपने दोस्त के साथ भी आएगा, C और D आएंगे लोग। और क्या होगा कि जिस तरह इसमें C A को विस्थापित कर रहा था, उसी तरह इसमें भी C A को विस्थापित करेगा यानी कि हटा देगा, भगा देगा, C A को क्या करेगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा, उसके साथ विस्थापित करके क्या बना देगा, C और B। सी ए को हटा देगा और बी के साथ जुड़ जाएगा, सी भी बना देगा और प्लस में, अब बेचारा ये दोनों तो जुड़ गए हैं सी और बी और सी भी बना दिए, लेकिन ये अकेला हो गया ए और ये बेचारा अकेला हो गया डी। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ए और डी आपस में जुड़ जाएंगे और ये भी ए डी बना देंगे, बोलेंगे कि ये बोलेगा ए कि तुमने मुझे भगा दिया बी को, चलो मैं उसके दोस्त के साथ जुड़ जाता हूँ। तो क्या करता है, ए डी के साथ जुड़ जाता है और ए डी बना लेता है। समझ में आ रहा है कुछ?
मतलब एक दूसरे के पार्टनर का अदला बदली कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। सी डी एक दूसरे के दोस्त थे, ये अपने पार्टनर को छोड़ दिया, ये इसके साथ जुड़ गया, बी के साथ जुड़ गया, सी भी बन गया, और डी जो है देखा कि ए खाली है तो ये दोनों आपस में जुड़ गया। यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो बार भगाया जा रहा है, दो बार हटाया जा रहा है। एक तो सी पहले ए को भगा दे रहा है, फिर जो ए अकेले बच रहा है वो सी के साथ जाकर जुड़ जा रहा है। तो ये दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो बार भगाया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें ज़रा देखते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड और AgNO3। देखिए ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, एक मिनट थोड़ा समझ में आने के लिए साफ साफ लिख दूँ। ये भी था ना प्लस सी डी, सी बी बन रहा था और प्लस ए डी बन रहा था। अब जरा इसमें समझिए, एन ए क्या हो गया ए, सी एल क्या हो गया बी, और इसको ए जी को यानी कि सिल्वर को मान लीजिए सी और नाइट्रेट को मान लीजिए डी। अब क्या होगा इसमें, ए जी जो है ना इन ए को भगा देगा और खुद ए जी क्या होगा सिल्वर सी एल के साथ जुड़ जाएगा। क्या होगा, सिल्वर सी एल क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और ए जी सी एल बना लेगा। क्या बना लेगा, ए जी सी एल यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। समझ में आ रहा है ना, सिल्वर क्लोराइड क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड ए जी सी एल। अब देखेगा एन ए कि ये तो सी एल हमको छोड़कर चला गया, तो एन ए क्या करेगा कि देखेगा कि ये भी तो अपने पार्टनर को छोड़ा है नाइट्रेट को, तो अब एन ए क्या करेगा, NaNO3 के पास जाएगा यानी कि नाइट्रेट के पास जाएगा और खुद एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, ये अपने पार्टनर को छोड़ दिया और ये अपने पार्टनर को छोड़ दिया, ये एक दूसरे के साथ मिल गए, तो ये भी क्या किए, ये भी एक दूसरे के साथ मिल गए। ठीक है, तो ये AgCl बन गया और NaNO3 यानी कि सिल्वर क्लोराइड और ये सोडियम नाइट्रेट, इसका क्या नाम है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब जरा इसका एग्जांपल लीजिए, और यहाँ पर जो है ना AgCl सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर अवक्षेप के रूप में मिलता है। अवक्षेप मतलब समझते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि आप नमक को पानी में मिलाइएगा तो वो घुल जाएगा, लेकिन जब आप मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी पानी में नहीं घुलता है, नीचे जाकर बैठ जाता है, तो उसी को बोला जाता है अवक्षेप। या फिर दूध को उबाला जाता है तो उसका छाछ जो होता है वो ऊपर आ जाता है, उसको भी अवक्षेप बोला जाता है, वो अलग हो जाता है। तो वैसा पदार्थ होता है जो ठोस हो और पानी में ना घुले, उस पदार्थ को अवक्षेप बोला जाता है। तो यहाँ पर AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है वो अवक्षेप के रूप में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जरा इसको समझ लेते हैं। यही बात है इसमें भी, यही इसका एग्जांपल हो जाएगा, NaCl प्लस AgNO3 एरो क्या है, AgCl का अवक्षेप बनेगा प्लस NaNO3 का NaNO3 बनेगा। ये सोडियम क्लोराइड है नमक, AgNO3 सिल्वर क्लोराइड, ये है ये सिल्वर नाइट्रेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और ये हो गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब जरा समझिए अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। ठीक है, अब जरा समझिए, NaCl जो था AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके AgCl बना रहा था ना, ये दोनों एक ही एग्जांपल है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक अभिक्रिया जो है एक ही प्रकार की अभिक्रिया को फॉलो करेगा। ये अभिक्रिया एक तरह से अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और एक तरह से उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये अभिक्रिया सिर्फ अवक्षेपण अभिक्रिया है, नहीं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, NaCl है, ये AgNO3 है, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर क्या बना रहे, AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर AgCl अवक्षेप बन रहा है ना, अवक्षेप बन रहा है। इन दोनों को जब अभिक्रिया कराई जाती है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब अभिक्रिया कराई जाती है, तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिलता है। यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, वो इस NaNO3 के जलीय विलयन में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर में आप लोग अभिक्रिया कराएंगे, इसमें NaCl और AgNO3 का जब आप लोग अभिक्रिया कराएंगे, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 का जब आप लोग इसमें अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो क्या होगा, AgCl बन जाएगा।
जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, AgCl। और AgCl ऐसा नहीं है कि इस विलयन में घुल जाएगा, ऐसा नहीं है, AgCl नीचे इस तरह बैठ जाएगा इस तरह जाकर, और इसी को बोला जाएगा अवक्षेप, AgCl का अवक्षेप, ठीक है। और जो NaNO3 उसका तो विलयन बन जाएगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस के रूप में, ठोस यानी कि अवक्षेप के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, जिस तरह इसमें हुआ है। AgCl ठोस के रूप में यानी कि छाँच के रूप में विलयन से पृथक होकर नीचे तल में बैठ गया है, इसीलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे समझाती हूँ अगली अभिक्रिया को। अब चलिए देखते हैं अगली अभिक्रिया को, जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सी अभिक्रिया है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हो गया इसका परिभाषा। अब जरा हम लोग इसको समझ लेते हैं। जिसमें कोई अम्ल, जैसे कि HCl अम्ल है एक, NaOH भस्म है, और ये लवण है, और ये जल है। अब आप सोच रहे हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं। देखिए, जो स्वाद में खट्टा होता है ना, उसे अम्ल कहते हैं, एसिड, और जो भस्म वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तो उसे भस्म कहते हैं। और लवण तो जो स्वाद में नमकीन होते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल यानी कि एसिड कोई भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि एक अम्ल है, और NaOH जो कि एक भस्म है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl यानी कि नमक दे रहे हैं। लवण मतलब नमक, नमक देते हैं और साथ में जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए, अब आप ये नहीं कीजिएगा कि HCl को आप चख कर देखिएगा कि ये खट्टा है तो इसको HCl बोल, ये अम्ल है। नहीं, कुछ कुछ ऐसे एसिड होते हैं, ऐसे अम्ल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये जो HCl है ना, ये पेट में पाया जाता है, ये खाना को पचाने का काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है। जहाँ पर ये लगेगा ना, वहाँ आपका चमड़ा पूरा जला देगा। तो इसको चख कर नहीं टेस्ट कीजिएगा, ये बहुत डेंजर होता है HCl, ठीक है। भले ही पेट में रहता है, पेट के जितने भी आप जितने भी दिन में दिन रात को पूरा खाते हैं, उन सब को सारी चीज़ों को पचाता है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है, NaOH यानी कि भस्म के साथ अभिक्रिया करके नमक और जल देता है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया के लास्ट में अगर आपको लवण यानी कि नमक और जल दिख जाएगा, उस अभिक्रिया को आप डायरेक्ट देखते ही बता दीजिएगा कि वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। इसका एक और एग्जांपल लीजिए, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और 2KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K2SO4 जो कि पोटेशियम सल्फेट बनाता है, जो कि एक लवण है यानी कि नमक है, ये भी एक नमक ही है, लवण ही है, और यहाँ पर जल बन रहा है H2O, ठीक है, ये पानी बनता है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल ये क्या है, एक अम्ल है। अब ये जो अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो HCl से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये तो जहाँ भी चमड़ा पर गिराएंगे ना, इसको एक बूंद भी जाएगा ना, तो आपके चमड़े को छेद कर नीचे गिर जाएगा, ये इतना डेंजर होता है H2SO4, ठीक है। तो इसको चखिएगा मत। अब आप सोच रहे होंगे कि आप बता रही हैं कि इसको चखना ही नहीं है, तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कौन अम्ल है और कौन भस्म है बिना चखे? तो इसका भी है ट्रिक, जो कि आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा हिंट मैं दे देती हूँ। जिस कंपाउंड में, जिस यौगिक में H+ आयन होता है, H+, वो अम्ल होता है, और जिसमें OH- होता है वो भस्म होता है। देखिए, H2SO4 में H है ना, H+, इसीलिए इसको अम्ल बोलेंगे। HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ है ना, तो इसको भी आप अम्ल बोलेंगे। लेकिन देखिए, भस्म में देखिए OH- है, यहाँ पर भी OH- है, इसीलिए आप इसको भस्म बोलेंगे। खैर, ये सारी चीज़ों को हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को से अभिक्रिया करके, यानी कि एक अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी कि पोटेशियम सल्फेट बनाता है, और साथ में पानी यानी कि जल बनाता है, ठीक है। अगला अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया,
ये बहुत ही आसान है। उष्मा शोषी यानी कि उष्मा का शोषण, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है, उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक तरह का कौन सा अभिक्रिया है? ये एक तापीय अभिक्रिया है और एक तरह से उष्मा शोषी अभिक्रिया है। मैं फिर बता रही हूँ कि कोई एक अभिक्रिया जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही अभिक्रिया हो, सिर्फ उष्मा शोषी ही हो, वो तापीय अभिक्रिया और कौन कौन सी अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया है वो हो सकता है। ठीक है, तो CaCO3 को हीट चाहिए, इसका मतलब ये उष्मा का शोषण कर रहा है, उष्मा की जरूरत है यानी कि हीट की जरूरत पड़ रही है, आग की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए CaCO3 हीट लेकर यानी कि उष्मा का शोषण कर CO यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी बोला जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आप लोग ये घर में भी देखें, अच्छा चाय बनाने के लिए आप सिर्फ पानी में चाय पत्ती डाल देंगे, नमक डाल देंगे, चीनी डाल देंगे तो क्या चाय बन जाएगा? नहीं बनेगा, जब तक आप उसको आग पर नहीं देंगे रखेंगे, जब तक आप हीट नहीं देंगे तब तक वो चाय नहीं बनेगा। चावल बनाने के लिए आप सिर्फ पानी रख देंगे और उसमें चावल डाल देंगे तो चावल बन जाएगा? नहीं, उसको हीट की ज़रूरत होती है। उसी तरह ये उष्मा शोषी अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट एग्जाम्पल के तौर पर है, तो इसको हीट चाहिए तभी ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसको हीट अगर नहीं दिया जाएगा तो बोलेगा नहीं, हम नहीं टूटेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में। तो यही होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया है। और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा हम लोग देते हैं और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ये हमको उष्मा देता है। यानी कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा निकलता है, हीट निकलता है, आग निकलता है। जैसे कि मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन में इसको जलाया जाता है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट देता है, बहुत ज़्यादा उष्मा देता है, पूरा जलने लगता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो उष्मा शोषी जो उष्मा का शोषण करता है, उष्मा की ज़रूरत होती है, और उष्मा क्षेपी जिसमें वो अभिक्रिया उष्मा का उत्सर्जन करता है यानी कि हीट देता है, तो उस तरह की अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? टोटल 8 अभिक्रिया को मैं समझा दी और बचा 2 अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया जो है ना अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तब तक आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।